दूसरी क्लासेस थे उसमें भी आप लोग पूछ रहे थे कि सर कौन सी बुक लूं मैं स्ट्रक्चर के लिए, कौन सी बुक लूं मैं स्टील के लिए। तो मैंने सोचा क्यों ना एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बुक्स है जो मैं खुद यूज करता हूँ उन बुक्स का आपको लिस्ट दे देता हूँ, आपका मन करे तो उसको पढ़ सकते हो, डेफिनेटली उससे आपको बेनिफिट होगा क्योंकि वो सारी बुक्स मैंने स्टडी करके ही मैं आपको बता रहा हूँ। और एक चीज और, धन्यवाद आपको सब, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। दो दिन, एक दिन पहले मैंने बताया और ईटैप के बैच में इतने लोग आ गए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ईटैप सेफ और आरसीडीसी की जो बैच कल से स्टार्ट हो रही है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब कौन कौन सी बुक मैं पढ़ता हूँ मैं आपको बता देता हूँ, पूरा लिस्ट ही है मेरे पास जो जो बुक मैं पढ़ता हूँ। दोस्तों ये बुक अभी मैंने लेटेस्ट खरीदी है, शायद आपको सही से ना दिख रहा हो, मैं लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा बुक का। यह बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की बुक है, एम के गुप्ता की लेटेस्ट बुक है ये, उनके लिए बहुत ही अच्छा है जो लड़के साइट का काम जानना चाहते हैं। कुछ लोग होते हैं ना मुझे साइट का वर्क सीखना है, या फिर डिजाइनिंग में हूँ साइट पर कैसे काम होता है थोड़ा कॉन्सेप्ट समझना है, साइट इंजीनियरिंग सुपरविजर के लिए, कॉन्ट्रैक्टर के लिए, आर्किटेक्ट के लिए, कंसल्टेंट के लिए और हाउस बिल्डिंग ऑनर्स के लिए पूरा बेस्ट बुक है ये। मैं अभी मुश्किल से इसमें से 2 से 3 पेज ही पढ़ पाया, लेकिन 2 से 3 पेज में मुझे ये आइडिया लगा कि भाई ये बुक बहुत खतरनाक है, ठीक है। लेकिन जो अभी मैं इससे पहले जो मैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की बुक पढ़ा था वो भी दिखाता हूँ आपको। दोस्तों जो स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं, पता नहीं ये बुक आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी मार्केट में, ये तो मुझे आइडिया नहीं है, बट ये बुक है मेडजी की। इसमें IS 456 और IS 800 का की पॉइंट बताया गया है, इतना बेहतरीन बुक है कि मैं आपको क्या बताऊं, मतलब बेस्ट बुक है। इसका शायद PDFs आपको मिल जाएंगे इंटरनेट पे, तो एक बार सर्च कर लीजिएगा, ये बुक मैं प्रीफर करूंगा आपके लिए कि अगर आप स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के लिए जा रहे हो तो ये कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों जो दूसरी बुक मैं प्रीफर करता हूँ ये है, ये RCC के लिए मैं पढ़ता हूँ। किसके लिए पढ़ता हूँ मैं, RCC के लिए ये बुक पढ़ता हूँ। आपको भी जो मैं ETAP की स्टैट की जो भी बैचेस होती है उसमें भी जो RCC का कॉन्सेप्ट लेता हूँ यहाँ से लेता हूँ, बहुत बेहतरीन है, मतलब मजेदार है। मेडसी का मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, बट मेडसी का ये बुक मुझे बहुत अच्छा लगा। और जो एक्चुअल में अभी जस्ट सोच रहे हैं कि मैं बिल्डिंग में क्या क्या चीजें सीखनी चाहिए, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में G+2 G+1 G+4 G+5 के स्ट्रक्चर के लिए क्या सीखना चाहिए, भाई बस एक बुक खरीद लो। वो सारी बुक तो चलो अलग अलग डोमेन्स की थी, ये बुक है डॉक्टर VL सासर की, इतनी बेहतरीन बुक कि आपका शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, डिफ्लेक्शन, बीम डिजाइन, कॉलम डिजाइन, फुटिंग डिजाइन, सारे तरह के डिजाइन सब इसके अंदर इंक्लूडेड है। पूरा का पूरा सेट है G+3 का बिल्डिंग को डिजाइन करने के लिए, मैनुअली किस तरीके से करेंगे पूरा सेट है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक ये है, अगर आप सिविल इंजीनियर हैं और स्ट्रक्चर के डोमेन में थोड़ा भी इंटरेस्ट है इसको पढ़ लो, आपका बेसिक लेवल पर पूरा काम कंप्लीट, मतलब G+5 तक, G+3 है इसका तो ऐसे, G+5 तक का पूरा काम बहुत बेहतरीन कर पाओगे, ये तो पक्का है। इसके बाद दोस्तों कई लोग बोलते हैं कि सर मुझे साइट पर अपना काम स्टार्ट करना है, खुद की कंपनी खोलनी है, तो क्या क्या काम होता है। उस दिन मैंने इसका रिव्यू किया था, आपको याद होगा क्या क्या काम होता है। काम इन द सेंस की प्लम्बिंग का काम होता है, इलेक्ट्रिकल का काम होता है, उसके साथ आपका जो डक्ट वर्क होता है उसका काम होता है, उसके साथ आपका साइट पर किस तरीके से लाइनिंग करते हैं, पूरा का पूरा डिटेल। सारी बुक अभी इंटरनेट पर नहीं मिल रही है, जब मिलेगी तो आप ले लेना, A to Z नाम है इसकी, वसंती मंत्री सर की, बहुत बेहतरीन बुक है, थोड़ी कॉस्टली है बट साइट के नॉलेज के लिए ये सबसे अच्छी बुक, और स्ट्रक्चर के नॉलेज के लिए ये सबसे अच्छी बुक डॉक्टर VL सासर, इतनी बेहतरीन है कि मैं आपको क्या बताऊं। तो आपका ही क्वेश्चन का आंसर तो मैंने दे दिया आपको, अब दोनों बुक। अब कई लोग मुझे कमेंट करते हैं कि सर मुझे यार मेरी घड़ी है, एक मिनट, थोड़ा हैवी हो गया है। कई लोग बोलते हैं कि सर मुझे स्ट्रक्चर है, सॉरी स्टील स्ट्रक्चर में इंटरेस्ट है, स्टील में मुझे जाना है। तो भाई अगर स्टील में जाना है तो ये बुक सबसे अच्छी बुक है, SK दुग्गल सर की है, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, शायद आपने कॉलेज में पढ़ा होगा, बहुत ही बेहतरीन बुक है, मतलब इतनी बेहतरीन कि मैं आपको बताऊं कि एक एक कॉन्सेप्ट इसका थोड़ा सा समय लगता है आपको, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि ऑफकोर्स ये कौन छापा है आपको पता है, टाटा मैग्रा हिल ने छापा है, वो छोटी मोटी किताबें नहीं छापता। और दूसरी चीज, ये जो हमारे सर जी हैं SK दुग्गल सर, ये मेरे सर भी रहे, तो ये इनका जो बुक का लेवल है वो थोड़ा अलग है, ठीक है जी। तो इनको आपको ऐसे कर देता हूँ। अब आपको दो बुक और दिखाना चाहूंगा, बट वो बुक अभी मेरे पास नहीं है, मैंने अपने एक फ्रेंड को दिया हुआ है, तो मैं उसको आपको इधर से दिखा देता हूँ। वो जो दो बुक है वो बहुत ही अच्छी है। कई लोग बोलते हैं सर मुझे ड्राइंग के बारे में सीखना है, मतलब ड्राइंग का फुल नॉलेज चाहिए मुझे, तो ड्राइंग का फुल नॉलेज चाहिए तो उसके लिए मैं आपको एक बुक बता रहा हूँ जिसको आप प्रीफर कर लेंगे। ये देखिए भावा कट्टी सर की है, ठीक है, प्लानिंग एंड डिजाइनिंग की,
मतलब साइट पर पूरा का पूरा आप डाल दो सीधे बिल्डिंग प्लानिंग एंड ड्रॉइंग्स ऐसा करके डालोगे, इसके गूगल सर्च किए अमेजोन पे मिल जाएगी ये, ठीक है जी। अगर ये बुक आपने ले लिया, बिलीव करिए साइट का सॉरी ड्राइंग का जितना कॉन्सेप्ट होता है, सेक्शन ड्राइंग कैसे बनाए, सेक्शन कैसे ड्रॉ करेंगे, एलिवेशन कैसे ड्रॉ करते हैं, उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, वो सब कुछ है उसके अंदर। ये देखो दूसरी बुक खुल गई, वही है उसका जूम होके हो गया है। एक और बुक है जिसको मैं रिफर करना चाहूंगा आपको, जो कि है कृष्णा राजू सर की है, जो कि आपको अगर आरसीसी की कोई बुक नहीं मिल रही है टेंशन मत लो, आरसीसी की ये बुक पढ़ लो भाई, आपका खतरनाक काम हो जाएगा। कृष्णा राजू की है और सबसे अच्छी चीज है कि इसमें अमेरिकन कोड से भी डिजाइन करके दिया हुआ है। तो यही था जो आपको ऑल अबाउट मेरी जितनी बुक्स थी मैंने सबके बारे में आपको बता दिया। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, छोटा सा बट आपके सारे क्वेश्चन का मैंने आंसर दे दिया। जितने लोगों ने कमेंट किया है एक्सेल डिजाइन से लेके एक चीज का, मैं सब पे वीडियो बनाने वाला हूँ। सो प्लीज वीडियो यहाँ पे नीचे कमेंट करो, सो दैट कि अगला वीडियो में आपके ही कमेंट का कोई भी आंसर हो सकता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और दिल से एक बार फिर से शुक्रिया ATMC बैच के लिए। तो मैं बैच को कल यहाँ पे खत्म करता हूँ, मैं मोबाइल से अटैच करके चलाता हूँ। तो ये एक्चुअली आपके मैं कमेंट देख रहा था, तो मैंने कहा कि ठीक है चलो अभी सारी बुक्स अपनी, ये मेरा सीक्रेट है, बट मैं इतना हैप्पी था कि मैं अपने सीक्रेट्स को आपके साथ डिस्क्लोज करना चाहा, मुझे अच्छा लगा इसको। और लास्ट में फिर से रिकमेंड करूंगा दो बुक हमेशा, डॉक्टर भीएल शाह सर के स्ट्रक्चर की और संदीप बंद्री की साइट नॉलेज की, ये दो बुक की के तो कोई जवाब ही नहीं, और कृष्णा राजू की RCC की। इसमें आपको अमेरिकन कोड से भी और इंडियन कोड से भी पूरा डिजाइन दिया, ब्रिटिश कोड से भी पूरा डिजाइन दिया हुआ है। तो आपको इसका लिंक भी दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, या तो आप जाके डायरेक्ट गूगल पर सर्च करो और आप ले लो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।